छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. माई सेल्फ दीप्ति गुप्ता, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रो वास्तुनॉलिस्ट, बहुत सारे ऑकर्ट लाइन में बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और अब कोशिश है कि जो मुझे आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. हम लोगों के एवरी वीक में कुछ ना कुछ फ्री सेशन रहते हैं, जिन सेशन के अंदर मैं एब्सोल्युटली फ्री आपको जो भी बता सकती हूँ वो बताने की पूरी कोशिश करती हूँ. इसी के साथ हमारे कुछ पेड सेशन भी रहते हैं जिसके अंदर क्लासेस चलती हैं प्रॉपरली, जिसके अंदर आप पूरी तरह से अच्छे से हर चीज को समझ सकते हैं. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद ज्वाइन भी करेंगे, जिन्होंने मेरे से टैरो सीखा हुआ है और भी बहुत कुछ, इसमें इस लाइन में बहुत कुछ चीजें हैं जो उन्होंने सीखी बिल्कुल हैं. प्रोफेशनली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं. आज हमारा जो टॉपिक है वो है यंत्रा का टॉपिक. यंत्रा क्या होता है और यंत्रा को हम कैसे यूज करते हैं. यंत्रा हमारे वैदिक से निकली हुई चीज है, रेमेडी है. वैदिक के अंदर बहुत पावर होती है. वैदिक मतलब कि हमारा खुद की एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड रेमेडियल पार्ट, उसको हम कहते हैं यंत्रास. भी एक रेमेडियल पार्ट होता है जो बहुत 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 पावरफुल होता है, और ये हमारे वेदों से निकला हुआ चीज है और इसको ऋषि मुनि बहुत ज्यादा यूज किया करते हैं. जब अगर हम अगर बात करें अपने वैदिक पुराणों की तो उसके अंदर यंत्रास का बहुत महत्व है. आप लोग जानते होंगे दिवाली पूजन में भी हम बहुत सारे मार्केट से रेडीमेड यंत्रास लेके आते हैं, जिसमें से श्री यंत्र बहुत फेमस है जो दिवाली पूजा में हम लोग रखते हैं. तो वो क्या चीज है, वो एक यंत्रा है. ऐसे ही दुर्गा यंत्र आता है. बहुत सारी मतलब सिद्ध चीजें होती हैं. आपने देखा होगा आप कहीं पर किसी शॉप पे जाते हैं तो वहां पे भी आपको नौ दुर्गा नौ ग्रह यंत्र इस तरह के यंत्रास लगे हुए दिखाई देते हैं. तो हम अपने प्रोफेशनली जहाँ पे भी हम काम करते हैं उनको कैसे हम अपनी चीजों को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं, हमारे किस तरह की, यहाँ तक कि हम अपने मेडिकल इश्यूज के लिए भी यंत्रा बनाते हैं, किसी को जॉब के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, स्टडीज के लिए, किसी भी चीज का हम यंत्रा बना सकते हैं. सोचिए हम जब मार्केट से लेके आते हैं, आप लोग मार्केट से दिवाली पे हर किसी के घर में या श्री यंत्र की पूजा होती है, लक्ष्मी यंत्र की पूजा होती है, आप लोग वो लोग वो लेके आते हैं, आप उसकी पूजन करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, जबकि हमें ये नहीं पता होता कि वो जब यंत्र क्रिएट किया गया होगा तो किस फोरा में किया होगा, किस इंटेंशन के साथ किया होगा, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ बनाना है और बेचना है, उनकी कोई इंटेंशन नहीं है, उन्होंने उसके अंदर कोई मैनिफेस्टेशन नहीं की हुई, कोई अफर्मेशन नहीं की हुई. और अगर यही चीज आप लोग खुद अपने लिए, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए खुद बनाते हैं तो सोचिए उसमें कितनी पावर होती है. तो यही यंत्रास हैं. मैं यंत्रास पे बहुत बिलीव करती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को भी यंत्रा प्रेफर करती हूँ. तो आप अगर खुद बहुत बहुत मुश्किल काम नहीं है, मार्केट में यंत्रास अगर आप लेने जाएं तो बहुत महंगे मिलते हैं, कोई कॉपर पे बना के देता है, कोई चांदी पे बना के देता है, लेकिन नेवर नोज डैट कि इसका भी मुहूर्त होता है, इसको क्रिएट करने के भी डेज होते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं पता, आप मार्केट जाते हैं और लेके आ जाते हैं. अगर आपको इसके डू एंड डू नॉट पता चल जाए तो ये आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं. और यही एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता रहे कि आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन आप लोगों के पास हैं, लेकिन बस आपको पता नहीं है. और अगर मेरे माध्यम से आप तक वो चीजें पहुंच सकती हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज इस सेशन के अंदर मैं आपको वो सारी चीजें बता पाऊं कि कैसे हम यंत्रास बनाते हैं. यंत्रास बनाने का बहुत कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ. पहले ये एक पेपर होता है जो आपको कहीं पर भी शॉप पे अवेलेबल मिल जाता है, पूजा की शॉप, ठीक है. ये एक पेपर होता है जिसमें हम यंत्रा ड्रॉ करते हैं, ठीक. और अनार का पेड़ होता है, उसकी जो कलम होती है उसको हम इसको ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं. मैम ये भोजपत्र हाँ जी, ये भोजपत्र है, इसको हम भोजपत्र बोलते हैं. आप किसी भी मार्केट में, बस लेते टाइम आपको ध्यान रखना होता है कि ये कहीं से भी कटा पिटा नहीं होना चाहिए. अगर ये कटा पिटा है तो आपके लिए वो खंडित है, आपको यूज में नहीं आएगा. आप इसको प्रॉपरली चेक करें और पूजा शॉप पे ये इजीली अवेलेबल है,
ऑनलाइन ये इजीली अवेलेबल है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ये भोजपत्र है, ये नॉर्मल अनार के पेड़ की वो है, डंडी है, जिसे हमने शार्प कर लिया, जैसे हम ब्लेड से पहले किसी टाइम पे पेंसिल शार्प करते थे, इसको बिल्कुल हमने कलम की शेप में इसको हमने शार्प कर लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, अश्वगंध इजीली मार्केट में अवेलेबल है, पाउडर होता है अश्वगंध का, ये भी आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाता है। और गंगा जल, आप गंगा जल से इसको पाउडर को इंक की फॉर्म में बना लेते हैं लिक्विड, उसके बाद इसमें डिप करते हैं, कलम को उसमें डिप करना है और आपको एक स्क्वायर बना के उसमें यंत्रा बनाना हो। अब ये तो बात हो गई कि स्पेसिफिकली हमें यंत्रा कैसे बनाना होता है, ठीक है, आप लोगों ने ये समझ लिया और आपको ये समझ में आ गई कि हमें भोजपत्र, अनार की कलम, अश्वगंध और गंगा जल की जरूरत पड़ेगी। अब क्या होता है कि हम जब इसको बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ये चीजें अवेलेबल हो, क्योंकि इस भोजपत्र पे लिखना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक छाल होती है पेड़ की और बहुत डेलिकेटेड होता है ये, तो कई लोग इस पे लिखते टाइम ये कहीं ना कहीं से फट जाता है या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप इस पे नहीं भी बनाना चाहते तो उसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोई भी चार्ट का पेपर ले सकते हैं, स्क्वायर येलो कलर का या व्हाइट कलर। अगर आपको लगता है आपके पास नहीं है भोजपत्र तो आप येलो कलर का पेपर भी ले सकते हैं, येलो या व्हाइट, मैं प्रेफर करती हूँ येलो। आप चाहें तो व्हाइट कलर के चार्ट पेपर पे, अगर आपको येलो नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी घोलिए और उसके ऊपर लगा दीजिए तो वो येलो हो जाएगा। आप येलो कलर यूज कर सकते हैं भोजपत्र की जगह पे। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक आप सबको क्लियर है? यस कि सर। अब हमें क्या करना है, मुझे कभी कोई ये नहीं होता कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया, क्योंकि जिसको यूनिवर्स ने जिस तक पहुंचाना है उन तक पहुंच ही जाएगा, ये हमारी कॉल नहीं होती, क्योंकि फ्री के सेशंस के लिए लोगों को लगता है कहीं हमारा टाइम ना वेस्ट हो रहा हो, लेकिन जिन तक पहुंचना है उन तक पहुंचेगी चीज और जिन तक नहीं पहुंचनी उन तक नहीं पहुंचेगी। येलो कलर का पेपर, उसके ऊपर हम जब ड्रॉ करते हैं उसके लिए जो हमें पेन यूज करना होता है, या तो हम रेड कलर के पेन से इसको ड्रॉ करते हैं, प्रेफरेबल होता है कि रेड कलर का पेन हम इसको ड्रॉ करते टाइम यूज करें, या फिर हम ग्रीन कलर का पेन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन कलर का पेन हम तभी यूज करते हैं जब हमें मनी से रिलेटेड, अबंडन से रिलेटेड कोई भी यंत्रा बनाना हो तो, अदरवाइज हम रेड कलर का पेन ही यूज करते हैं। ब्लू भी कर लेते हैं लोग, लेकिन मैं ज्यादातर यंत्रा बनाते टाइम रेड कलर या ग्रीन कलर का यूज करती हूँ। एक और इसके अंदर ध्यान रखिएगा, जब भी आप यंत्रा बनाए नहा धो के बैठे, आप अशुद्ध नहीं होने चाहिए, क्योंकि यंत्रा हमारे वैदिक से कनेक्टेड है, हमारे ग्रंथों से कनेक्टेड है, तो इसके लिए ये जरूर होना चाहिए कि आप नहा धो के साफ कपड़े पहन के पूजा के स्थान पर दिया जला के, कंडीशन है दिया जरूर जला होना चाहिए उस टाइम पे जब भी आप यंत्रा ड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि जब हमारा घी का दिया जल रहा होता है तो उसके अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो भी वहां पे स्थापित करते हैं हम, तो वहां पे अग्नि, एयर, वाटर एक गिलास जरूर रखेंगे आप अपने पास जब आप यंत्रा ड्रॉ कर रहे हैं। एक साफ गिलास में या गड़वी में आप अपने पास जल रखेंगे, एक दिया जलाएंगे, दिया आपका घी का होना चाहिए, बिल्कुल शांत एरिया में बैठेंगे, मंदिर के पास कोई ना हो आपके पास, बिल्कुल शांति से आप बैठेंगे उस वक्त आप बनाएंगे। ये नहीं कि आप नहाए धोए नहीं है आप बैठ गए और कुछ भी कर रहे हैं, किसी ने कुछ, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्धि का ध्यान रखते हुए आपको यंत्रा को ड्रॉ करना है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी है।
अब हम यंत्रा को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बहुत बिलीव करती हूँ यंत्रास पे। तो देखिए, मैंने येलो कलर के पेपर पे, दिख रहा है सबको, येलो कलर के पेपर पे रेड कलर के पेन से ये यंत्रा ड्रॉ किया। आई होप सो सबको दिख रहा हो। ये मैंने खुद अपने बेटे के लिए यंत्रा बनाया है। तो सोच सकते हैं, अगर मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ तो कितना मैं इस पे ट्रस्ट करती हूँ। और वो यहाँ अवेलेबल नहीं है तो मैंने भोजपत्र पे नहीं बनाया, क्योंकि ये मुझे उसे भेजना है तो मुझे लगा डेलीगेटेड है तो शायद खंडित ना हो जाए, इसलिए मैंने येलो पेपर पे रेड कलर के पेन से इसको ड्रॉ किया। और आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह का चौरस हमें पीस लेना होता है। इसको हम छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं। आप इसके अंदर बॉक्सेस बनते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं जो हम इसमें प्लेस करते हैं। ये हमारा नॉर्मल यंत्रा है। इसे हम भोजपत्र पे भी बना सकते हैं और इसे हम येलो कलर की शीट पे भी बना सकते हैं, एज यू विश, जैसे आपको ठीक लगे। अब हम इन यंत्रा का यूज कैसे कर सकते हैं? आपने यंत्रा बनाया, आप चाहें तो इसको आप अपने फोन के कवर में रख सकते हैं, ताकि आपके पास, क्योंकि मैक्सिमम हम अपना फोन अपने हाथ में रखते हैं, तो आप इसे फोन के कवर में बैक साइड पे लगा सकते हैं। जहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहां पे आप सामने अपने दीवार पे लगा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं वॉल पे। और अगर आपको लगता है ये सब चीजें करने में लोगों के सवाल होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे मंदिर में भी लगा सकते हैं। मंदिर में भी आप इसे पूजा घर में अपने रख सकते हैं, डेली वहां पूजा होगी, डेली वो एक्टिवेट होगा, डेली वो चार्ज होता रहेगा। आप इसे अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। आपने नॉर्मली इसे ड्रॉ किया, लेमिनेट हो जाता है ये, लेमिनेट कराइए। लेमिनेट करा के इसे अपने वॉल पे प्लेस कर दीजिए। आप इसे अपने वॉलेट में रख लीजिए, छोटा बनाएंगे तो आप अपने फोन कवर में पीछे लगा सकते हैं। और लेट्स सपोज आपको ऐसा लगता है ये आपने अपने लिए नहीं बनाया, किसी के लिए बनाया है, अब आप क्या करेंगे, मतलब किसी और के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यंत्रा को लैमिनेट कराने के बाद उस पर्सन की फोटो को इसके साथ कलावे से बांध दीजिए। ठीक है, तो जिसके लिए भी आपने, उस फोटो के पीछे उसका नाम लिखिए, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखिए और उस फोटो को यंत्रा के साथ, कलावे के साथ 7 बार रोटेट करके उसे वहां पे बांध दीजिए। यहां तक समझ में आया सबको? मैम, आपने क्या कहा? फोटो और यंत्र को कलावा, मतलब 7 बार कलावा लपेटना है? 7 बार रोटेट किया आपने, 7 टाइम्स उसको रोटेट किया और उसके बाद उसे मंदिर में। अगर आपने, आपको लगता है कि किसी पर्सन के लिए आप बना रहे हैं और उन तक आप नहीं पहुंचा सकते, आपने अपने लिए नहीं बनाया, मे बी जैसे आप, हो सकता है आपका बेटा हो, डॉटर हो, या कोई आपके फ्रेंड हो, किसी के लिए भी आप बना सकते हो, तो आप इसे अपने घर में भी स्थापित कर सकते हो उनके बिहार। उन तक पहुंचा दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचा सकते तो आप इसे अपने मंदिर में भी रख सकते। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हमें कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। इसको बनाते टाइम हम स्केल का यूज नहीं करते। जब हम बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं तो हम हाँ जी, आप इन साइड में रख सकते हैं पिंकी, आप उसको बैक साइड पे, जैसे ये आपका कवर है, कवर के पीछे जैसे मैंने ये कार्ड लगाया हुआ है, आप यहाँ पे उसको लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपके, आप हाथ में रहता है फोन तो आप उसे देखते रहेंगे। और इसके साथ एक रूल्स फॉलो होता है, आप इसके अंदर स्केल का यूज नहीं करते, लाइन ड्रॉ करते टाइम आपको रनिंग हैंड से ड्रॉ करना होता है, तो आप स्केल का यूज नहीं करें। ठीक है, जब हम बॉक्स बनाते हैं तो हम रनिंग हैंड से बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर खाने भी हम रनिंग हैंड से ही बनाएंगे।
सेकंड, अगर हम किसी भी चीज को लिखते टाइम अगर इस सीक्वेंस में लिख रहे हैं तो सारा जब यंत्रा बनेगा तो हम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। अगर हमने ऊपर से नीचे लिखना शुरू किया तो सारा यंत्रा बनाते टाइम हम ऊपर से नीचे की तरफ ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं ड्रॉ करते, क्लॉकवाइज नहीं ड्रॉ करते, या तो ऊपर से नीचे की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट टू राइट। जैसे भी आप लिखना शुरू करेंगे पूरा यंत्रा बनाते टाइम आपको उसी को ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं आपने बीच में एक लाइन ऊपर से नीचे लिख दी, दूसरी लाइन नीचे से ऊपर लिख दी, एक डायगनल बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। आप जैसे ड्रॉ लिख करना शुरू करेंगे वैसे बॉक्स आपने बनाया, उसके बाद जब नंबर्स लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप उसे सीरीज में ही लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन या डाउन टू अप, जैसे भी बनाना चाहे आप बना सकते। ठीक है, प्रेफरली आप कोशिश कीजिएगा कि इसको आप चांदनी रात में, जिसको हम कहते हैं अमावस के एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे से आप इसको बना सकते हैं। वो डेज बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि वो तब हमारी चांदनी, चांद बढ़ना शुरू हो जाता है तो बढ़ती रातें शुरू हो जाती हैं, तो उस टाइम पे आप यंत्रा को बनाएं ज्यादा अच्छा रहेगा। और पूरणमासी बहुत अच्छा डे माना जाता है, नवरात्रे बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं, दिवाली बहुत अच्छा दिन माना जाता है। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर डेज हैं जिसके अंदर आप लोग ये यंत्रा ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, आपको लगता है हम इतने दिन का वेट नहीं कर पाएंगे, तो आप बीच में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑस्पिशियस रहेगा कि आप इसे चांदनी रातों में बनाएं, पूरणमासी वाले दिन बनाएं, या कोई नवरात्रि स्टार्ट हो रही है तब आप बनाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब एक और चीज, इसके लिए जो अगर आपको दिक् पंचांग देखना आता है तो उसके अंदर होरा होती है, आप होरा के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। जैसे कि आपकी शुक्र की होरा आती है, दिन में 3 बार आता है होरा, हर किसी उसका, जुपिटर का भी आता है, शुक्र का भी आता है, बुध का भी आता है, ये होरा आती है। आप चाहें तो दिक् पंचांग से देख सकते हैं, नहीं तो मोटा मोटा आपको 11 से 4 बजे के बीच में, 11 to 4 आपको नहीं बनाना, आप मॉर्निंग 12 बजे से पहले बना लीजिए या फिर 4 बजे के बाद बनाइए। अगर आपको दिक् पंचांग नहीं देखना आता है, आपको लगता है आपके लिए मुश्किल है, तो आप 4, 3, 12 से लेके 4 बजे का टाइम पीरियड अवॉइड कीजिए, उसके पहले और उसके बाद आप बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बीच में राहु काल भी आता है, बहुत सारे ऐसे टाइम आता है जब हमें ये नहीं बनाना होता, अवॉइड करना होता है, तो आप 12 बजे से पहले पहले बना लीजिए, ये 4 बजे के बाद बना। ये बात हो गई डू एंड डू नॉट की, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये क्लियर है क्योंकि ये हमारा वैदिक है और वैदिक में ये कंडीशंस होनी बहुत जरूरी होती हैं। और एक चीज और, क्योंकि हमने श्वासों के बारे में एक बहुत अच्छा मेरी क्लास रही है जो YouTube पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम कोई भी काम करते हैं तो हमें क्या क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए। जब भी आप यंत्रा बनाएं तो पूरी तरह से सांस को इनहेल कर लें नाभि तक, उसके बाद आप ड्रॉ करें, उसके बाद इनहेल छोड़ दें, फिर उसके बाद सांस लें पूरी अच्छी तरह से, फिर कोई नंबर लिखना है नंबर लिखें, फिर उसके बाद एग्जिट कर, इनहेल एग्जिट, इनहेल करते टाइम हमें लिखना है, एग्जिट करते टाइम हमें छोड़ देना है। इनहेल करते टाइम हमें लिखना है, जब हम अंदर को सांस लेंगे तो हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो हम इनहेल करके लेंगे पूरी नाभि तक, आप अपने सांस को खींचिए, उसके बाद नंबर लिखिए, उसके बाद रिलीज। ध्यान रखिएगा कोई भी काम हमें करना हो तो हम हमेशा इनहेल करके करते हैं, छोड़ते ही सांसों के साथ हम कोई भी शुभ काम नहीं करते। हमें किसी जरूरी मीटिंग में जाना हो, आपको लगता है आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आपको किसी अर्जेंट किसी बच्चे के साथ कहीं बाहर निकलना है, बच्चों को कहीं बाहर निकलना है, पेपर के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई भी अच्छा काम करते टाइम हमेशा याद रखिए कि जब भी हम वो काम स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, इनहेल करना है, सांसों को अंदर की तरफ लेना है, और छोड़ते टाइम हमें बाहर की तरफ निकलना, मतलब कोई भी पहला पैर हम जब बढ़ाएंगे तो हम ऐसे ऐसे ही, हम कोई भी यंत्र ड्रॉ कर रहे हैं तो
लिखते टाइम हमें इनहेल करना है, उसके बाद छोड़ देना है, फिर इनहेल करना है दूसरा नंबर। इज इट क्लियर? मैम व्हाट इज अदर डे यू सेड मैम? अमावस्या थर्ड डे, नवरात्रि, दिवाली, पूर्णिमा इज इट? थैंक यस, पूर्णिमा। यू मैम। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब ये जो लिखना है जो सांस लेकर, तो फिर उसको मतलब क्या अंक है वो, मतलब जो 1 2 ऐसा? सॉरी, कौन बात कर रहे हैं? पहले तो आप अपना नाम बताइए। रेखा हाँ, रेखा मालानी, जी। आई एम फ्रॉम नेर परसोपन, टाउन है डिस्ट्रिक्ट यवतमाल। रेखा जी, ओके। रेखा जी देखिए, जब हम इनहेल कोई भी चीज करते हैं, आप देखेंगे पहले टाइम में ये होता था, छींक मार दी तो किसी भी शुभ काम पे नहीं जाते। तो हम जब छींक मार देते तो उस वक्त बड़े राइट, अफसर क्या कहते थे, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी नहीं जाना। राइट, ठीक है, उस वक्त लॉजिक क्या होता था कि हम जब छींकते हैं तो हमारी सांस बाहर को आती है, तो जब हमारी सांस बाहर को आती है तो उस टाइम पे कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। ओके। तो इसलिए जब हम यंत्रा भी ड्रॉ करेंगे तो इनहेल करते टाइम हम ड्रॉ करेंगे, एग्जिट करते टाइम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, इनहेल करते टाइम हम ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम रुक जाएंगे। इसके कुछ मेरा क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन है मैडम कि वो जो आप अंक लिख रहे हैं जैसे 1 2 3, तो वो क्या लिखना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट मैं आपको वहां से? बताऊंगी, अभी वहां तक हम आएंगे। हाँ हम बस इसी नहीं, पे हैं कि हमें क्या करना है, हम बाकी समझ गया। अभी हाँ हम हाँ नहीं आए स्टार्टिंग, हैं, ओके हमें कैसे करना है क्या करना है, ओके। अभी सिर्फ डू एंड डू नॉट के ऊपर है हम, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके ओके। देखिए, मैं आपको सारे यंत्रास व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करूंगी, शेयर करके आप इसे किसी भी डे पे चांदनी रातों में स्टार्ट कर सकते हैं, अमावस्या के नेक्स्ट डे टू नेक्स्ट डे, मतलब अमावस्या के नेक्स्ट डे को छोड़ के उससे अगले दिन पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। पूर्णमासी का दिन बहुत अच्छा रहता है इसको ड्रॉ करने के लिए, और चढ़ मतलब जिसको कहते हैं चांद जब पूरा होता है, चढ़ना शुरू होता है, तब आप बना सकते हैं। और मतलब जो मैम शुक्ल पक्ष में ना यस शुक्ल पक्ष में आप इसे स्टार्ट कर सकते, बना सकते? बना सकते शुक्ल पक्ष में कभी भी आप बना सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप किसी भी दिन, कोई वो नहीं है, कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, लेकिन ज्यादा ऑस्पिशियस रहता है कि शुक्ल पक्ष में हम इसे बनाएं। अब मैं आपको ये बताने लगी हूं कि जितने भी आज मैं आपको यंत्रास बताऊंगी, उन यंत्रास को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगी, पिक्चर्स को आप वहां से पिक्चर्स को देख सकते हैं और अपने लिए बना सकते हैं। सिर्फ आपको एज इट इज उसको देखना है और सेम उसे ड्रॉ कर देना है, क्योंकि मैंने आपको डू एंड डाइज बता दिए। आप कौन से यंत्र का यूज क्या है मैं आपको वो लिखवाने वाली, ठीक है, कि कौन सा यंत्र हम किस चीज के लिए ड्रॉ करेंगे वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वो नोट करने वाला पार्ट है कि कौन सा यंत्र हम किस चीज के लिए ड्रॉ करें, राइट। और पिक्चर्स जैसे मैंने ये बनाई हुई है, जैसे जस्ट लाइक दिस, इस तरह के पिक्चर्स मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी, आप वहां से देख के डिट्टो वैसे का वैसे ही कॉपी कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको जो चाहिए हो उसका प्रिंट आउट भी कलर्ड आप निकाल के रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप अपने हाथ से विद इंटेंशन उसे ड्रॉ करें, ठीक। Time means we need to avoid which time is 11, 11 2। मैम किसी ने कुछ पूछा है? टाइमिंग टाइम मींस यू सेड विच वी हैव टू अवॉइड, व्हाट इज द टाइम? आप 12 बजे से लेकर 12 o'clock to 4 p.m. तक आप इसे ड्रॉ नहीं करेंगे, बिफोर 12 आफ्टर 4, मतलब उसके बाद 4 बजे के बाद आप इसे ड्रॉ कर सकते। ओके मैम। सबसे पहला जो यंत्र मैं आपको बताने वाली हूं वो है चंद्र यंत्र। ये क्लास पूरी आपके YouTube पे अपलोड होगी,
अगर किसी का भी कुछ भी स्टार्टिंग का पार्ट रह गया हो या नोट ना किया हो, तो आप यूट्यूब पे जाके दोबारा से इसे देख सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं, ये वहां पे सेव रहेगा। चंद्र यंत्र, इसकी पिक्चर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि कैसे बनना है। अब ये किस किस चीज के लिए हम ड्रॉ करते हैं वो आप लिख लीजिए। चंद्र यंत्र जो है वो डिप्रेशन के लिए, अगर आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है और आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है, अब कैसे होगा क्या होगा, इस तरह की टेंडेंसी बन रही है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर मदर और डॉटर के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, लगता है कि बेटी की और माँ की आपस में नहीं बन रही है, रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है मदर और डॉटर के, आप ये उसमें भी बना सकते हैं। अगर मदर इन लॉ के साथ रिलेशन्स अच्छे नहीं है, या फिर आपका मतलब मदर इन लॉ का डॉटर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तब भी आप इसे बना सकते। क्लियर है ये? हाँ मैम जी माँ बेटी और सास बहू के बीच भी डॉटर हाँ जी, सास बहू के इन लॉ है ना। इसके इसका पर्टिकुलर एक यंत्र और आता है जो सास बहू के लिए ही है, लेकिन आप इसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके मतलब अगर किसी को भी नॉलेज हो कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर चंद्र बहुत उसमें मतलब लो पोजीशन में हो, तो भी आप इस यंत्र को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, तो मत जाइएगा उस तरफ। सिर्फ पर्टिकुलरली किन चीजों के लिए हम कौन सा यंत्र यूज करते हैं आप वो लिख लीजिए, ठीक है? जुपिटर गुरु का यंत्र, और स्टडीज अगर आप अपने बच्चे को बना के देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हायर स्टडीज में आप इसे यूज कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा हायर स्टडीज के लिए जा रहा है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। बच्चों के स्टडी टेबल पे आप लगा सकते हैं ताकि वो स्टडी में उनका ध्यान लगे। अगर वो कोई कंपटीशन के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इसी यंत्र को दे सकते हैं। अगर किसी को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर से मतलब जैसे कि डाइजेशन की प्रॉब्लम है या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप उसे दे सकते हैं। अगर आप टीचिंग प्रोफाइल में हैं, मतलब आप अगर टीचर हैं कहीं किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, या आप काउंसलर हैं किसी की काउंसलिंग करते हैं, तो आप ये यंत्र का यूज कर सकते हैं। हायर स्टडीज में जिनके भी बच्चे आगे के लिए जा रहे हो, वो ये यंत्र जरूर बनाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी 10th 12th क्लियर की है, बहुत सारे गोल्स होंगे उनके, उन्हें आगे जाना होगा, हायर स्टडीज में जाना होगा, तो ये उन बच्चों के लिए अगर मदर बना के उनको देती हैं तो बहुत अच्छा है, उनके स्टडी टेबल पे उनको या फोन कवर में उन्हें लगा के। मैडम इसका इफेक्ट बहुत होता है क्योंकि मेरे बेटे को मतलब गुरु का ये था ना आपने जो बोला, तो ये इफेक्ट बहुत होता है। मतलब मैंने उनको पेंडल पहनाया हुआ है। ये इतना नॉलेज आप जो दे रहे हैं ना, वो मुझे थोड़ा सा गाइडेंस मिला था तो मैंने पहना के रखा है अगर मेरे अगर बेटे को। पेंडेंट भी बनाया के पहनाया हुआ है ना, चांदी के अंदर ये ड्रॉ हो जाता है, मिलते हैं मार्केट में ये सारे बने बनाए, लेकिन उसका इतना इफेक्ट सोचिए। आप कह रहे हैं कि वो पहना है तो भी उसको इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो किस होरा में और किस इंटेंशन से, वो तो उन्होंने डाई बनी हुई है, खट 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 बनाते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सेल का एक प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप ये यंत्र खुद अपनी इंटेंशन से पूरे पूजा पाठ विधि विधान से बना के अगर आप देंगे, तो सोचिए उसकी पावर कितनी ज्यादा हो। तो अगर आपने उसे गले में पहनाया हुआ है, तब भी उसके स्टडी टेबल पे आप इसे जरूर प्लेस कीजिएगा, बता, तो आप देखिए पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आप इसको पूरा जो मैं जितना भी मैंने बताया है, प्लीज उसे यूट्यूब पे जाके जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए डू एंड डाइस क्या, डू और डू नॉट क्या है। नेक्स्ट है सूर्य यंत्र। सूर्य यंत्र,
प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सूर्य यंत्रा कोई भी अगर आपके घर में गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है तो आप उसे ये यंत्रा बना के दे सकते हैं। अगर कोई नेम और फेम के लिए चाहता है कि मेरा नाम बहुत आगे तक देश विदेश में बहुत अच्छा डॉटर में से नेम फेम किसी मिले, ने क्लियर कर है ना कर किसी को तो आप इसको दे सकते हैं नेम एंड फेम के लिए। हायरे तो किसी आप या को अगर कोई हायर स्टडीज के लिए जैसे सीए कैट इस तरह का जेई का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप इसे दे सकते हैं सूर्य यंत्रा को। ना उड़ा उड़ा लालो आमिर थोड़ी कैसे लगा तू तो मैम आप सबको ब्लॉक कर लाहा ने दी तू बिल्कुल मोला लाहा ने सबको सबको। लीवर की प्रॉब्लम के लिए भी आप ये दे सकते हैं। अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो भी ये यंत्र काम करता है, सूर्य यंत्र। पाइल्स की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन हो गई है, जनरली देखने को मिलती है हर घर में। अगर फादर और सन के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है तो भी आप सूर्य यंत्र दे सकते। मैम हाँ जी मैम जैसे आपने गुरु यंत्र और सूर्य यंत्र दोनों चीजों के लिए बताया, मतलब हायर स्टडी के लिए भी और लीवर प्रॉब्लम के लिए, लेकिन बेटर कौन सा होता है, हमें दोनों में से किसका दोनों करना बहुत चाहिए? अच्छे हैं। अगर आपको लगता है कि आप टीचिंग लाइन में हैं, प्रोफेशनली काउंसलर उसमें जा रहे हैं, टीचिंग प्रोफाइल में हैं, तो आप तब जुपिटर का लें। अगर आपको लगता है कि आपको नेम फेम उनके लिए तो आप उसको ले सकते हैं सूर्य। नहीं मैम, मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ, स्टडी के अगर पॉइंट। अगर बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रिपेयर करना चाह रहा है तो आप सूर्य दीजिए उसे। और सिर्फ उसे हायर स्टडीज के लिए ही जाना है तो फिर आप उसे जुपिटर का दे दीजिए। ठीक है ना, आप कैसे भी यूज कर सकते। मैडम मेरा ये क्वेश्चन है कि हायर स्टडी पे जाने के लिए, जैसे अभी एग्जाम है मेरे मुन्ने की, तो वही बोल रहे थे कि सूर्य देना कि सूर्य मतलब ये देना गुरु ये तो आप डिसाइड करोगे आपको कौन सा देना है। अगर आपको लगता है जुपिटर आपके लिए काम करेगा आप जुपिटर दीजिए। दोनों स्टडी में काम करता है, वहां पे गवर्नमेंट जॉब भी इंक्लूड हो जाती है। तो आप अगर गवर्नमेंट काउंसलिंग के लिए जाना चाहता है, वो टीचिंग प्रोफाइल में जाना चाहता है, वो आप उस हाँ जो आपको ठीक लगे आप दे सकते। आप दोनों भी दे सकते ओके हैं। ओके आप यंत्रा एक नहीं, आप दो यंत्रा, तीन यंत्रा, चार यंत्रा, जितने मर्जी यंत्रा दे सकते हैं। आप अपने लिए मल्टीपल यंत्रा बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही यंत्रा ओके चाहिए, आप एक टाइम में पांच यंत्रा भी यूज कर सकते। अब नेक्स्ट यंत्र है मंगल यंत्र। आपने बहुत बार सुना होगा मंगल भारी है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कुछ लोग चलते चलते गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। कुछ नहीं, एक्सीडेंट वैसा नहीं हुआ, चलते चलते सीढ़ियों से पैर स्लिप हो गया, बाथरूम में स्लिप हो गए, ठोकर लग गई, कुछ ना कुछ चोट लगती जा रही है। बड़े छोटे एक्सीडेंट 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 होते जा रहे हैं। ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ, तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं मंगल भारी है। तो उसके लिए भी आप मंगल यंत्रा बना सकते हैं। ब्लड रिलेटेड इश्यूज अगर किसी को हैं, अगर किसी ने बोल दिया ब्लड में इंफेक्शन है, अब ये मत पूछिएगा किस तरह का ब्लड से रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज हैं तब आप ये यंत्रा दे सकते हैं। अगर किसी की सर्जरी हुई है तो रिकवरी जल्दी हो जाए तो भी आप ये यंत्रा दे सकते हैं। अगर किसी की सर्जरी होने वाली है तो भी आप ये यंत्रा बना सकते हैं ताकि सर्जरी ठीक ठाक हो जाए और रिकवरी फास्ट हो जाए, तो भी आप दे सकते हैं। अगर किसी का हाई बीपी रहता है तो भी आप ये यंत्रा यूज कर सकते हैं, मंगल यंत्रा।
नेक्स्ट है मरकरी यंत्र, बुध यंत्र। स्किन डिजीज, अगर किसी को भी स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज है तो आप इस यंत्र को यूज कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का मैथ्स वीक है और आप वो चाहते हैं कि उसका मैथ्स अच्छा हो जाए, या मैथ्स की फील्ड में आप कहीं पर कोई वर्किंग है, तो आप ये यंत्र यूज कर सकते हैं। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी बात को रख नहीं पाते, उन्हें पता होता है लेकिन वो अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते। लोग आते हैं, उन्हें सुनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाते। ऐसा होता है ना किसी किसी के साथ कि उन्हें होता है कि वो बोल दें, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि वो अपनी बात को किसी के आगे प्रेजेंट कर पाए। सही होते हुए भी वो अपनी बात बोल नहीं पाते। तो ऐसी कंडीशन में जिसको कहते हैं हाजिर जवाब होना, कि आपको पता है और आपने तुरंत जवाब दे दिया। कुछ लोग ऐसे इस चीज को लेके इतने प्रॉब्लम में रहते हैं कि लोग डोमिनेट करते रहते हैं और वो बिना बात पे डोमिनेट होते रहते हैं। सही होते हुए भी वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी आपको बुध यंत्र यूज करना चाहिए। देखिए, सबने तो अपने कैमरा ऑफ किए हुए हैं, मैं आप आगे ऐसे तो बढ़ा नहीं सकती, मुझे फेसेस ही नहीं दिख रहे। ऐसे थोड़ी ना होता है, कम से कम फेस तो दिखाओ अपना। मजा नहीं आ रहा। वैसे ही क्लास में इतने सारे लोग तो है नहीं, उसमें भी आपने कैमरा ऑफ किया हुआ है, मुझे यही नहीं पता कि कौन कौन अवेलेबल है। चलो, लाइटें जलनी शुरू हुई, बॉक्सेस में फेसेस दिखने शुरू हुए। मैडम आखिरी का जो बोले ना, किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हाँ जी, हाँ जी, है अपनी बात को लिखने, अपनी बात को बोलने के लिए प्रेजेंट। ना। हाँ ओके मेघा, गुरप्रीत, अगर कैमरा ऑन कर लें, भाग्यश्री, भाग्य लक्ष्मी, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। आई नो डैट आप बिजी होंगे कहीं ना कहीं। थैंक यू गुरप्रीत, थैंक्स अ लॉट। मेघा और गुरप्रीत जी ने अभी भी कैमरा ऑन नहीं किया। और ये कौन है, पता है, अच्छा लगता है। मतलब मैं अगर कुछ बता रही हूँ, आप लोगों को समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं बोलती जा रही हूँ, पता ही नहीं चलता। अब आप लिखिए कामदेव यंत्र, कामदेव यंत्र। इसके साथ एक कंडीशन है कि इसको सिर्फ और सिर्फ मेल ही यूज करेंगे, फीमेल यूज नहीं करते। अगर मैरिड लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो ये यंत्र ड्रॉ किया जा सकता है, और रखने के लिए मेल पर्सन को ही अपने पास रखना होता है। अगर आपको लव लाइफ में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, लव रिलेशनशिप में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आजकल की नई जनरेशन का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि गर्लफ्रेंड नाराज है, रूठ गई है, कब वापस आएगी, कैसे होगा, तो उनके लिए भी आप ये यंत्र दे सकते हैं। लेकिन इसे एक ही कंडीशन है कि इसे फीमेल यूज नहीं कर सकते, इसे मेल ही यूज कर सकते। नेक्स्ट यंत्र है शुक्र, शुक्र यंत्र। वैसे तो हम सभी के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें अनलिमिटेड लग्जरी की जरूरत होती है। हम सोचते हैं हमारे पास जितना हो उतना कम है, तो जिसको बहुत सारी लग्जरियस लाइफ चाहिए, उसके लिए शुक्र यंत्र है। कोई ग्लैमर की फील्ड से है, लेट्स सपोज मॉडलिंग करता है, फिल्म इंडस्ट्री से है, तो उनके लिए भी ये यंत्र बहुत काम आता है। अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी फील्ड में है, जैसे किसी का पार्लर है या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करता है, तो
तो भी आप ये यंत्र यूज कर सकते हैं। सेक्सुअल अगर डिजीज की कोई प्रॉब्लम है तो भी ये यंत्र काम आता। इट्स 21 आवर्स. शनि यंत्र किसी को भी ज्वाइंट पेन है, ज्वाइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम शनि यंत्र यूज कर सकते हैं। किसी को जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप शनि यंत्र यूज कर सकते हैं। आपकी लाइफ में किसी भी चीज की कोई भी स्ट्रगल चल रही है, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी चीज को, जैसे प्रमोशन हो गई, किसी को अपनी लाइफ में जो डिजायर है वो मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप बहुत परेशान चल रहे हैं, ऑफिस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बच्चों के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, डिजायर जॉब नहीं मिल रही है, तो आप शनि यंत्रा का यूज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यंत्रा अगर आप अपने लिए यूज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप अपने लिए बनाइए, लेकिन यंत्रा अगर आप किसी को बना के दे रहे हैं तो आपको एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेनी है। आपके कोई भी रिलेशन में है, आप चाहे उनसे 11 रुपए ही लीजिए पर एनर्जी एक्सचेंज आप जरूर लेंगे। यंत्रा कभी भी किसी को फ्री में बना के नहीं देंगे क्योंकि काम नहीं करेगा। चाहे आप उनसे 11 रुपए लीजिए, 5 रुपए लीजिए, जो भी एनर्जी एक्सचेंज आपकी डिजायर, मतलब जो आपको लगता हो ठीक हो आप वो लीजिए, पर लीजिएगा जरूर। याहू यंत्र, अगर कहीं पर भी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही, आपको लगता है रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, तब ये यंत्रा काम करता है। दो जनों के बीच में कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग है और आप चाहते हैं कि वो दूर हो जाए, चीजें पहले की तरह सही हो जाए, तो आप ये यंत्रा का यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया रिलेटेड इंफेक्शन अगर किसी को है तो ये यंत्रा काम आता है। किसी को लंग्स इंफेक्शन हो जाए तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कई बार हमारा माइंड अनस्टेबल हो जाता है, हम इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ है और आगे होगा क्या, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए कि माइंड अनस्टेबल हो जाए तो आप ये यंत्रा बना सकते हैं, राहु यंत्रा। थैंक यू मेगा कैमरा ऑन करने के लिए। ठीक प्रोग्राम कर रही थी इसलिए ऑफ था. है, कोई बात कोई बात। नेक्स्ट है हमारा केतु यंत्र। अगर किसी को भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए, अगर किसी को भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए, कोई रिसर्च की फील्ड में है, या किसी को भी अल्सर की प्रॉब्लम, तो हम ये यंत्र यूज कर सकते हैं, केतु यंत्र। मैम ये कितने टाइम में काम करते हैं फिर ये जो यंत्रा से है? बहुत जल्दी काम करना शुरू करता है, जितना ही आप प्योर सोल से बनाएंगे उतनी जल्दी ही आपको रिजल्ट देने लग जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा बिलीविंग सिस्टम, हम कितना बिलीव करके उस प्योर
यूज कर रहे हैं। भगवान को हमने देखा नहीं है, लेकिन भगवान पे हमारा बिलीविंग कितना है उसी पे काम करता है ना। तो यस मैम, मंत्रास काम करते हैं, रिजल्ट देते हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपका बिलीविंग सिस्टम उस पर। ओके। मैम एक और चीज, जैसे कोई कोई यंत्र ऐसे हैं जो हम टेम्परेरी उसके लिए बनाएंगे, जैसे वायरल इन्फेक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, उस बात केस में क्या करें? जब हमारा वो पर्पस सॉल्व हो गया, हमें लगा हमारा जिस पर्पस से हमने बनाया वो पूरा हो गया, उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, या तो आप इसे यूनिवर्स में बरी कर देंगे, छोटे छोटे पीसेस करके इसे ब्लो कर दीजिए, यूनिवर्स में स्प्रेड कर दीजिए, या किसी भी पार्क में जाके गड्ढा कीजिए और वहां पे दबा दीजिए, नहीं तो जल प्रवाह कर दीजिए। एक चीज और, यंत्रा को कभी भी किसी के यहाँ पे, जैसे आपने फोन के कवर में रखा होगा, लेट सपोज आप वो उस टाइम पे अगर किसी की डेथ में जा रहे हैं तो वो वहां पे लेके नहीं जाना होता। किसी के बर्थ में, जैसे जहां पे अभी बच्चा हुआ ही है और उनके यहाँ पे अभी सूतक काल चल रहा है, मतलब अभी हवन नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, शुद्धि नहीं हुई उस घर की, तब भी आप अपना यंत्रा लेके नहीं जाएंगे क्योंकि वो खंडित हो जाए। तो जब भी ऐसी दो जगहों पे आप जाएंगे तो आप उसे अपने घर के मंदिर में रख के फिर जाइए। मैंने बताया ना, ये बहुत स्पिरिचुअल है और हमारे वैदिक से कनेक्टेड है, तो हमें इसे बहुत साफ सुथरी जगह पे ही लेके जाना। आप यंत्रा फोन पे लगाया हुआ है, और अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो अपना फोन अपने वॉशरूम तक ले जाते हैं और वहां घंटों तक स्क्रॉल करते हैं। अगर आपने यंत्रा अपने फोन में रखा हुआ है तो प्लीज आप लोग उसे फोन को अपने वॉशरूम में नहीं लेके जाए। तो मैडम बेटर है ये है कि इसको पर्स में रख लें अपने। पर्स में आप रख सकते हैं, आप अपनी जहां मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं आप वहां पे अपनी वॉल पे प्लेस कर सकते हैं, कुछ भी समझ में ना आए तो आप अपने मंदिर में रख सकते मैम हैं। जी आज जैसे बच्चे मोबाइल यूज करते हैं ज्यादा, तो मोबाइल के कवर में अंदर की तरफ दिखते नहीं चाहिए, नहीं, नहीं दिखना दिखेगा चाहिए, कभी। बच्चा उसको फिगर्स को, जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स को देखे, तो वो अंदर की साइड नहीं बाहर की साइड होनी चाहिए, उसे दिखना चाहिए। ओके, दिखना चाहिए मोबाइल के पीछे। ओके हाँ जी, एक बार जैसे अगर मान लो ऑफिस में कोई दिक्कत चल रही है, तो जो भी हम जो यंत्र बनाएंगे हम ऑफिस के लिए, आपने बताया जाए शनि यंत्र बनाना है, तो लगा इसको फिर ऑफिस की वॉल में लगा सकते हैं, क्योंकि सकते, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लगा सकते हो, तो आप अपनी जहां पे टेबल है वहां पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ग्लास होता है टेबल पे जनरली आजकल ऑफिसेज में, ग्लास तो ग्लास के नीचे रख सकते हैं। में रख सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल रख सकते हैं आप। आप जहाँ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं आप वहां रख सकते हैं, जो बच्चों से रिलेटेड है वो आप उनकी स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। मैम स्कूल बैग मैम में जैसे आपने बोला रखना पर्स में रख दो, अब जैसे बच्चे स्कूल मतलब कहीं भी क्लास जाते हैं तो वो तो पर्स तो जीन्स वगैरह में ही होता है, तो वो तो वॉशरूम में लेकर ही जाएंगे पर्स, और मोबाइल भी लेकर जाएंगे। चाहिए। एक होता है अनइंटेंशनली आपने पर्स अपना लिया और आप वॉशरूम में चले गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इंटेंशनली कोशिश कीजिए कि आप ना ले लीजिए। मैम स्कूल बैग में रख सकते हैं बच्चों के? स्कूल बैग में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं आप स्कूल बैग, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैग में रख सकते हैं, स्कूल बैग में रख सकते हैं, उनकी कोई ज्योमेट्री मतलब पाउच हो जिसमें वो स्टेशनरी अपना जो भी रखते हो, पेन पेंसिल, उसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए यम यंत्रा। यम यंत्रा का हम यूज करते हैं जब हमें कहीं पर भी जस्टिफिकेशन चाहिए हो, न्याय चाहिए, आपको ऐसा लगता है किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है और न्याय चाहिए उसे किसी भी तरह का। कई बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है हमारे घर में ही हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, जो मैं डिजर्व करती हूँ वो मुझे नहीं मिल पा रहा, या जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा, और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो रही, आपको कहीं पर भी न्याय से रिलेटेड कोई चीज चाहिए हो तो आप यम यंत्रा बना सकते हैं। कोई भी बड़ा चैलेंज है आपके सामने, जैसे कोई किसी को अपने एक डिजायर जॉब की जरूरत है और वो चाहता है कि उसे उसकी डिजायर जॉब मिल जाए, मुश्किल हो रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, तो
हम इस यंत्र को बना सकते हैं। मतलब कोई भी बड़े चेंज के लिए हम इस यंत्र का यूज करते हैं। हमें कोई बड़ा घर की डिजायर है, कोई हम चाहते हैं हमारा एक ड्रीम हाउस है जो बन जाए, तो कोई भी बड़े चैलेंज को पूरा करने के लिए हम इस यंत्र का यूज करते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक रफ बनाया है, जैसे आप इसकी पूरी प्रॉपर जो पिक भेजोगे मैम, तो हम एक उसमें अपने नोट्स में बनाएंगे, तब तो ऐसे मतलब लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। एक अभी भी डायरी के अंदर स्पेस छोड़ते जाइए, जब मैं आपको पिक्चर भेजूंगी आप वहां पे साइड में ड्रॉ करते जाइएगा। अभी भी तो आप लिख रहे होंगे ना, वहां पे इतना थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते जाइए जहाँ पे आप वो पिक्चर देख के आप वहां पे ड्रॉ करें। जब आपको जरूरत लगे तब आप खोलें, और नहीं तो वीडियो पे क्लासेस अवेलेबल रहेंगे, आप वहां से भी ले सकते हैं। यूट्यूब पे आपके पास सब कुछ अपलोडेड रहेगा। नेक्स्ट है विष्णु यंत्र। पहले ये बताइए क्लास कैसी लग रही है? इंटरेस्टिंग है? लग रहा है कुछ मिला है स्पेशल? बहुत मैम ये इंटरेस्टिंग लग रही है। अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, हाँ बहुत स्पेशल, हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग क्लासेस हुई, क्लास है। मैंने इतनी क्लासेस ऑनलाइन की, लेकिन ये कुछ तो भी सीखने लायक है। मतलब बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं आज की डेट में। अगर आप जाएंगे ना तो ये क्लास करने के 3-3 हज़ार, 2-2.5 हज़ार रुपए लोग ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना कुछ यूनिवर्स में डोनेशन करनी चाहिए, तो कुछ अच्छा जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों को जरूर दे पाऊँ। ये कॉमन यंत्र है जिसे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ उतनी है कि हमें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया टैक्स कुछ यंत्र तो मैडम बने बनाए भी मिल जाते हैं मार्केट। कभी भी मार्केट से बना बनाया कमल जी यंत्र नहीं लेना चाहिए। मैं कभी प्रेफर नहीं करती, बिकॉज वो किसी भी होरा में, मतलब स्पेशली किसी टाइम पे नहीं बने होते। वो क्या है, वो एक डाई बनी हुई है, वो टक 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 निकाले चले जा रहे हैं। उनका कोई इंटेंशन, मतलब हम कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन करते हैं, अफर्मेशंस डालते हैं, होरा चेक करते हैं। जैसे मैंने बताया कि शुक्ल पक्ष में ही बनाना चाहिए, आपको लगता है कि वो इन सब चीजों का ध्यान रखते नहीं, हैं? वो तो अपना, उनकी तो मार्केट अपना, उन्होंने तो बेचना है। उन्हें तो बेचना है, ठक 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 उन्होंने बस बनाया और आप तक आप मार्केट में गए और जाके ले आए। तो अगर ज्यादा देर के लिए रखना है तो इसको बना के फिर लेमिनेट करा के रख सकते हैं। बिल्कुल, आपको लेमिनेट ही कराना चाहिए, क्योंकि डेली जब आप उस मंत्र को, मतलब यंत्र को रखेंगे तो वो खंडित होने के चांसेस रहते हैं। तो आप उसे लेमिनेट करा दें, बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं आता, बहुत नॉर्मल चार्जेस में। आप नॉर्मल चार्ज जाएंगे फोटोकॉपी पे तो वो जो ये करते हैं ना बहुत इजीली हो जाते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स हो को, जाता इजीली है आराम से। हो जाता है। नेक्स्ट है विष्णु यंत्रा, ऑल इन वन यंत्रा है ये, किसी भी चीज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ऑल इन वन विष्णु यंत्र, जैसे हम अगर स्विच वर्ड की, वैदिक स्विच वर्ड में छू मंत्र है, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आए, छू मंत्र छू मंत्र छू मंत्र बोलना शुरू कर दो, चीज जो भी परेशानी में हो वहां से बाहर आ जाते हो। इसी तरह से ऑल इन वन है विष्णु यंत्र, आप इसे यूज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। सिर्फ आप जब बनाएं तो अपनी अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन उस वक्त उसमें डाल दीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो ये विष्णु यंत्रा तो हर कोई बनाए अपने लिए। रोहिणी यंत्रा, किसी ने रोहिणी कौन थी, किसी को पता है? नाम सुना है रोहिणी कौन थी? रोहिणी, रोहिणी, मोहिनी रोहिणी 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 बलराम की, और हमारी बलराम की माँ थी। ध्रुव तारा, तारा ध्रुव, ध्रुव ध्रुव जी की मदद का नाम है। बलराम नहीं, रोहिणी तो बलराम की माँ थी ना, देवकी, जी की बलराम, माँ, हाँ बलराम, जी, उनकी माता भी बलराम। थी। अगर किसी को भी नींद ना आती हो तो आप ये यंत्रा का यूज कर सकते हैं। मैम मुझे बहुत प्रॉब्लम है नींद की। मून की जो चंद्रमा है उनकी वाइफ का नाम भी रोहिणी।
किसी को बहुत ज्यादा टेंशन हो, स्ट्रेच हो, डिप्रेशन हो, नींद ना आती हो, तो आप ये यंत्रा का यूज कर सकते। मैम इसको क्या फिर मतलब रात को अपने पास रख के सोएंगे जैसे नींद की प्रॉब्लम है जैसे तो? मैंने आपको बताया है वैसे ही, जहां पे भी आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, आप वहां पे इसे अपने सामने लगा सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, वॉलेट या में। जैसे जैसे अगर कोई पिलो लेता है, पिलो के अंदर डाल के? हाँ मैं यंत्रास को बेड पे नहीं प्रेफर करती, बहुत सारे लोग रखते हैं पिलो का, कहते हैं इसलिए। मैं नहीं कहती कि आपको पिलो के नीचे, बेड के नीचे यंत्रास को रखना चाहिए, क्योंकि मैंने फिर वही बात स्टार्टिंग वाली कि यंत्रा हमारे वैदिक हैं और हमारे ग्रंथों के हैं, तो उसके साथ बहुत स्पिरिचुअली हमें, जैसे हम भगवान को अपने बेड तक नहीं लेके आते, यहाँ तक कि हमारा मानना यह है कि बेडरूम में भगवान नहीं होने चाहिए, तो वहां पे हम यंत्रा भी नहीं रखते, उसको जो जहां सो रहे हैं उस बेड के सामने वाली दीवार पे लगा ले ताकि आप देख लगा सकें। सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल सामने वाली दीवार पे लगा, पर बेड पे मत रखिए, मतलब पिल्लो के नीचे, उसके नीचे मत रखिए। नेक्स्ट है आपका आत्मरक्षा यंत्र। ये यंत्रा बहुत यूजफुल है, जितनी भी मदर्स हैं वो अपने बच्चों को ये दे सकती हैं। आत्मरक्षा मतलब खुद की रक्षा के लिए यंत्र, अगर किसी के बच्चे आपके हॉस्टल में पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, आप स्टडीज के लिए ट्यूशन जाते हैं, तो आप ये यंत्रा बना के, आपके हस्बैंड हैं, आपको लगता है वो ज्यादातर टूर्स पे रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो आप उनको ये बना के दे सकते हैं। खास करके बच्चों को तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा स्कूल में रहना और ये सब चीजों के लिए, हॉस्टल में रहना आजकल नॉर्मली है, ये सब होता ही है, तो आप ये उन्हें दे सकते हैं, बच्चों के, आप बच्चों के बैग्स में रख सकते हैं, स्पेशली ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, प्रोटेक्शन, हर तरह की प्रोटेक्शन, चाहे वो इवल आई हो, चाहे वैसे कोई भी चीज हो, हर तरह की प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं, बच्चों के बैग में रख सकते हैं, उनकी पॉकेट में रख सकते हैं, उनके वॉलेट में रख सकते हैं, किसी में भी, स्कूल का कोई पाउच हो उसमें भी रख सकते हैं। नहीं यंत्र है मैम, जी यंत्र है टोटल? टोटल तो मैंने नहीं देखे, टोटल तो वैसे तो कम से कम 50 से ज्यादा के यंत्राज हैं, आप जो हमें बताएंगे वो, ये 12, ये अभी 12 है, किसी ने लिखे हो तो देख लीजिए, मैंने काउंट नहीं किए, बस मैं तो बस बताती जा रही 12 12 12 हूँ। 14 हो गए,12 है मेरे, 14 हो गए जी, 14 तो हो गए मैम, 12 12 12 है, 12 दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, 14 हो गए, 14 बारह है, बारह बारह हो गए मैडम, 14 14 हो गए मैम। हो गए जी, फोर्टीन हाँ, यंत्रास आपके पास पहुंच गए हैं, जॉब के लिए, पैसे के लिए, हेल्थ के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए मैंने आपको दे दिए। अगर आप इस सेशन को आगे, क्योंकि मोर अबाउट 50 यंत्रास होते हैं, हर किसी चीज के लिए अलग अलग यंत्रा होता है, अच्छा तो आप चाहें तो अपने डेट ऑफ बर्थ से भी स्पेसिफिकली यंत्रा भी निकाल सकते हैं कि कौन सा यंत्र आपके लिए स्पेशली ठीक रहेगा, बहुत सारी चीजें हैं यंत्रा से रिलेटेड। अगर आप इसे आगे चाहते हैं कि इस सेशन को मैं दोबारा लेके आऊं, तो आप लोग मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट क्लास ऑर्गेनाइज करूंगी इसके लिए। अभी आगे के लिए जो हमारे जून के अंदर कोर्सेज हैं जो हम लोग लेके आने वाले हैं, जो जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, एक तो इटालियन स्विच वर्ड्स, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट, सिर्फ आप, अच्छा यंत्रास में जो नंबर्स मैं आपको बताऊंगी आप इन्हें चैंट भी कर सकते हैं, चैंटिंग आप कोई भी कितने भी टाइम कर सकते हैं, जैसे कि नंबर लिखा हुआ है 178 246, तो आप उन्हें कैसे भी चैंट भी अगर करेंगे तो भी वो आपके एक्टिवेट होते रहेंगे, तो चाहे आप अपने सामने लगाइए, चाहे आप उसको चैंट करना शुरू कीजिए, जैसे भी आप करना चाहे कर सकते। अभी हमारी जो जून के अंदर आने वाली है सीरीज, उसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं इटालियन स्विच वर्ड्स, जो मिरिकल करते हैं आपकी लाइफ में, आपको उसको कोई भी
मतलब एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब इतने इतने मार्वलस हर चीज के लिए, जॉब, पैसा, मनी, बिजनेस, क्लाइंट, हर एक चीज के लिए आप उन्हें यूज कर सकते हैं। तो आपको ये नॉलेज भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है, तो जून में बने रहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया। सीजल्स होते हैं हमारे, सीजल्स भी बहुत काम करते हैं। सीजल्स हम अपने डिजायर के अकॉर्डिंग खुद बनाते हैं। डिजायर सीजल्स कैसे बनते हैं और उनको हम कैसे अपनी डिजायर में यूज कर सकते हैं, तो ये सीजर हम लोग सीखेंगे जून के अंदर। यंत्रास और कौन कौन से यंत्रास हैं, हम कैसे उन्हें बना सकते हैं, यंत्रास का सेशन आपके लिए पूरा आएगा कंप्लीट। सीजल आएंगे और रूम्स की रीडिंग, रूम्स जिन्होंने भी टैरो मेरे से सीखा है, अगर वो टैरो के साथ रूम्स को साथ में यूज करके रीडिंग करते हैं तो सोने पे सुहागा। मतलब कभी मैं आपको अगर अपने फ्री सेशन के अंदर, वैसे 2 तारीख का फ्री सेशन है, उसमें मैं कोशिश करूंगी कि रूम्स के थ्रू भी मैं रीडिंग करके आपको दिखाऊं कि कैसे हमें रूम्स हमारे सवालों के जवाब दे। जैसे कार्ड हमें रिप्लाई करते हैं, वैसे रूम्स भी हमें रिप्लाई करते हैं, हम दोनों के कॉम्बिनेशन से भी रीडिंग करते हैं। तो वो आप इसमें सीखने वाले हैं। इटालियन स्विच वर्ड, ये 4 चीजें हैं जो हम लोग सीखने वाले हैं। और अभी हमारा मेडिकल का चल रहा था, मेडिकल का दोबारा से प्रोफेशनल कोर्स भी आ रहा है, तो वो भी आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो कर सकते हैं। और बाकी ये यूट्यूब पे अभी शेयर हो जाएगी, आज नहीं तो मॉर्निंग तक आपको ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी यंत्रास आपको मिले हैं, अल्टीमेट काम करने वाले हैं, रिजल्ट देने वाले हैं, मेरे को आपसे एनर्जी एक्सचेंज में सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप मैक्सिमम शेयर करेंगे उस लिंक को, ताकि जो मैंने आपको दिया आप अपने नियरेस्ट डियरेस्ट तक वो पहुंचा सके। हो सकता है जाने अनजाने में आप किसी की हेल्प करते, इसके 2100-1100 से नीचे कोई पैसे नहीं लेते। आप सोचिए, जाने अनजाने में पता नहीं आपने कितने लोगों की हेल्प कर दी, कितने लोगों को आज जरूरत है हायर स्टडीज की। बच्चे आज 12th करके निकले हैं, 10th करके उन्होंने पास आउट किया, तो आप ये हेल्प जरूर कीजिएगा, मैक्सिमम तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर। और आई होप सो कि अब आप मुझे इजाजत दीजिए, बहुत टाइम ले लिया मैंने, तो मिलते हैं नेक्स्ट। मैम, एक एक क्वेश्चन है प्लीज। मैडम मुझे एक क्वेश्चन। जी, अब मैं सबके क्वेश्चन लूंगी, आप हैंड रेज करते जाइए, मैं एक एक को अनम्यूट करती हूँ और आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ। हाँ जी, बताएं मंजुला जी, बताएं। मैम, मुझे ये पूछना है, जैसे बच्चे होते हैं आजकल टीवी के बहुत एडिक्टिव होते हैं, तो उनका मन सिर्फ टीवी देखने में लगता है, पढ़ने में नहीं करता, तो कुछ उसके लिए स्पेसिफिक यंत्र बता दीजिए कि बच्चा टीवी छोड़ के पढ़ने की तरफ फोकस करे। इसके लिए हम यंत्रा, इसका कोई यंत्रा नहीं है, लेकिन हाँ हम इस चीज के लिए बहुत सारी रेमेडियल चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आजकल टीवी से ज्यादा तो बच्चे मोबाइल में लगे रहते, मतलब टीवी भी आज के लिए ऑप्शनल हो गया है, बच्चों के पास मोबाइल है, उसमें क्या नहीं आता, जियो, नेटफ्लिक्स, सब कुछ चलता है, जो टीवी पे नहीं चलता वो सब उस पे चलता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपको मैं एक डायरेक्शन है, आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उसमें लिख के भेज दूंगी कितनी डिग्री पे है। वहां पे जब भी वो बच्चा मतलब मोबाइल छोड़े, जैसे रात को उस डायरेक्शन में फोन को रख दिया गया, नहीं मैम, फोन तो मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास होता है फोन, लेकिन वो टीवी और लैपटॉप में मतलब ज्यादा वो करता है। लैपटॉप रख दीजिए उस डायरेक्शन, तो वो एडिक्शन उसकी छूट जाएगी, मतलब जो वेस्ट टाइम वेस्ट करता है वो उसका वहां से छूट जाएगा। ठीक है, ये थैंक यू तो मैम। कोई बता दीजिए, आजकल के जो बच्चे हैं सभी ये काम कर रहे हैं। क्या बोला आपने गुरप्रीत जी, मैम एक्चुअली ये जो डायरेक्शन अभी आप बोल रहे हो ना कि मैसेज के लिए, तो मैम ये मैं तो ना आपको ऑलमोस्ट डिग्री चेक करके बताऊंगी कि ओके। SEWP कौन सी डिग्री है। एग्जैक्टली मैं आपको डिग्री बता दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। आई डोंट नो कि आप लोगों का कंपास चलाना आता है या नहीं आता है, बट आपके मोबाइल के अंदर कंपास होता है जिसके अंदर डायरेक्शंस पता चलती हैं। आप उसको बिल्कुल अपने घर के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाइए, ये मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप अपने घर के डायरेक्शन चेक कर सकते हो। आप क्या कीजिए, बिल्कुल सेंटर में जाइए, किसी टेबल पे अपना मोबाइल रख दीजिए, N0 डिग्री होता है वहां पे, पहले रोटेट करिए अपने फोन को, जब N0 पे आ जाए
तब आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन पता चलती है और डिग्रीज उसमें लिखी हुई आती है कि कितने डिग्री पे क्या है, इतने डिग्री पे हमारा ये है। तो वहां पे जो डिग्री होगी SSW की वो मैं आपको बता दूंगी। आप वहां पे फोन रख दीजिए, जिसकी भी एडिक्शन है, अगर किसी को दारू पीने की आदत है घर में और बहुत परेशान है तो आप बॉटल उठा के वहां पे उस डायरेक्शन में रख दीजिएगा, छूट जाएगी धीरे धीरे। तो वो हमारी उसकी होती है डायरेक्शन, एडिक्शन किसी भी चीज की हो वो छोड़ो। डिग्री मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। मैम यंत्रास के बाकी मैम जो मैडम ये ना जल्दी एक मैम मिनट लेके, एक मिनट गुरप्रीत जी बोलिए। मैम, आप जो यंत्रास की बाकी क्लास है मैम वो भी थोड़े मैम जल्दी लेके आना मैम। मैम अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल बहुत लेके। इंटरेस्टिंग लगा मैम क्लास। जब जब ग्रुप में जब अभी ये यूट्यूब पे अपलोड होगी तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जितने कमेंट ज्यादा होंगे ना उतने जल्दी मैं लेके आऊंगी क्लासेस। हमने तो डायरेक्ट ही मतलब कर दिया ना कमेंट में। नहीं तो शेयरिंग करनी है ना आपको उसके अंदर, आप जी मैम जरूर। करेंगे। हाँ जी सुचित्रा जी बताएं। धन्यवाद, यंत्रों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, आज आपने इतने सारे यंत्र बताए और बहुत ही अच्छी उससे अच्छी बात जानकारी सुचित्रा जी हमारे इतनी एक्टिव पार्टिसिपेंट है कि मैंने बाय मिस्टेक 25th लिखा था यंत्रा की क्लास का, वो बाय मिस्टेक बैनर पोस्ट हुआ था कि मैंने मिस्टेक चेक नहीं की, लेकिन कल उनका मेरे पास मैसेज आ गया मैम क्लास। तो अच्छा लगता है कि कुछ है ऐसे पार्टिसिपेंट जिनको वेट होता है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम, बताएं क्या। बहुत अच्छे नोट्स बनाए मैम, अच्छा भी लगा पढ़कर, बहुत अच्छी नॉलेज मिली है यंत्रों के बारे में। थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप। मैडम ये जो यंत्र बनाए ना, जो अपन नहा धो के नए कपड़े पहन के की है सब, साफ नए कपड़े नहीं पहनने, लेकिन आप साफ कपड़े पहन के बैठिए, अच्छा नए कपड़ों को खोल के बैठिए। ओके। कमल जी बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं तो यही कह रहा था कि आपका सारा सेशन इंटरेस्टिंग होता है, मैं थोड़ा आज लेट ज्वाइन कर पाया था इसलिए मैं रिकॉर्डिंग से देख लूंगा। मेरा तो यही था कि जैसे बच्चों, मेन तो आजकल बच्चों का ही है, बच्चों के एडिक्शन के लिए आपने वो बताई दिया कि आप साउथ साउथ वेस्ट के एडिक्शन में बता दो कि जो भी उनको एडिक्शन है वो रख दें। थोड़ा सा आजकल बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा कम होता जा रहा है कुछ एक जगह पे। कम हो रहा है तो मैंने आपको बुद्धि यंत्रा बताया है, आप उसके लिए वो यूज कर सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं यंत्रा। और एक साथ आप कितने भी यंत्रास बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 यंत्रा भी आप बना कर रख सकते हैं, रिजल्ट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यंत्रा के पीछे आप बच्चे का ना, अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा मतलब बच्चे के आप कैरी नहीं करा सकते, बच्चे अपने साथ नहीं रख सकते, मिस यूज करेंगे तो उसको नहीं प्रॉपरली यूज कर पाएंगे, आप क्या कीजिए बच्चे की फोटो लीजिए, फोटो के पीछे उसका नाम डेट ऑफ बर्थ लिखिए, सर्कल कीजिए बैक साइड पे और यंत्रा के साथ उसको पेस्ट कर दीजिए बैक साइड पे, या यंत्रा के ऊपर फोटो रखिए और कलावे से बांध के मंदिर में रखिए। आजकल एक समस्या और आ रही है, लेग पेन बहुत हो रहा है लेडीज में, मैंने खासकर देखा काफी केसेस देखे हैं मैंने, तो इसके लिए मैंने कौन सा इसके यंत्र? लिए भी यंत्रा बताया, इसके लिए भी यंत्रा दिया। शनि यंत्र हुआ ना मैम, नहीं शनि यंत्रा दिया है। नहीं, जॉइंट पेन शनि के यंत्र लिए, जॉइंट पेन के लिए दिया आपने, जॉइंट पेन। हाँ ज्वाइंट पेन के लिए। ऐसे तो 50 यंत्राज है वो कमल जी, बहुत सारे यंत्राज हैं, मतलब कम से कम 3 से 4 क्लासेस जाएंगे उसके लिए। नहीं आज ये अगली क्लास में आप पहले ये कवर कर लेना, क्योंकि ये इशू मैं काफी देख रहा हूँ आसपास ना, जो भी है इवन वाइफ को भी है थोड़ा सा उसके पैक में है, तो मैंने उसके भी काफी फ्रेंड्स वगैरह, तो ये लेडीज ज्यादा बता पाएंगी क्योंकि एक्चुअली में इनको किचन में एक तो काम रहता है सारा दिन खड़े रहने का, भाग दौड़ का, तो इसकी वजह से इनको रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो इनके लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है। हम लोग तो फिर भी रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत बैठ के कुर्सी आपकी वाइफ बहुत अच्छा सा फील कर रही होगी कि पति इतना कंसर्न रखते हैं। हैप्पी हैप्पी। चलिए सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। मेघा आपका क्वेश्चन बताएं। मेघा है, मेघा कितने दिनों रीएक्टिवेट करना है क्या मैम उसे? क्या क्या एक बार रिएक्शन। जब भी हम एक यंत्रा बनाते हैं ना मैम, कितने दिनों के बाद उसको रिचार्ज करना है, इससे कुछ नहीं? आप मंदिर के अंदर रखते हैं, आपने डेली धूप बत्ती और डेली वहां पे जोत वगैरह हो रही है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, कोई इसको रिचार्ज करने की जरूरत, वो अपने आप में एक्टिव। और जब बच्चों को देते हैं ना, तो हॉस्टल में भेजते हैं, तो वहां पे रिचार्ज कैसे होगा? नहीं होगा ना नहीं, ऐसे कुछ रख? करना आप उनको कहिए अपने टेबल पे रख दीजिए, अगर आपको लगता है बच्चा बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा तो उसकी फोटो के साथ मंदिर में, अपने मंदिर में, क्योंकि हॉस्टल में कई बार होता है वो चीजों को फॉलो, मतलब
झूठे मीठे हाथ लगा देंगे, उसको प्रॉपरली नहीं रख पाएंगे, तो आप उसकी फोटो के साथ मंदिर में रख, ठीक है? थैंक यू मैम। आई होप हेलो आपके क्वेश्चन हो गए हैं। मैम, हाँ जी, कौन? मैं सुनीता चौधरी। मैम मैं पूछ रही थी, वो यंत्र आपने बनाना बताया नहीं, मतलब डंबल्स वगैरह कैसे रखा था, कहाँ वो क्या मैं सब बैठा था। आपको अभी ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी, आप ग्रुप में आपको पूरी पिक्चर्स आ जाएंगी, कल सुबह तक आ जाएंगी, कल आपके पास अपलोड हो जाएंगी पिक्चर्स, आप वहां से एज इट इज अपने वहां पे नोट्स के आगे ड्रॉ कर। जितने भी यंत्र हैं सबका हाँ, दे सबका सबका देंगे पिक्चर्स आपको। हाँ जी, मेका बोलिए। मैम, वो पूछे थे ना मंदिर में लेफ्ट में या राइट में कहाँ रखे थे, जिसे आपने बोला ना बच्चे फोटो मार के वैसे रखे, थोड़ी दोबारा सी बोलिए, रिपीट कर क्या दो। हाँ मैम, बोल रहे, पूछ रहे हैं, दोबारा बोलिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। मंदिर में रखना है तो कहाँ, लेफ्ट में या राइट में कहाँ रखना कहीं है। पर भी रख दीजिए, मंदिर तो हमारा ऑलरेडी पवित्र स्थान है, कहीं पर भी रख दीजिए, मंदिर में आप किसी भी फोटो उठा के रख सकते ओके थैंक यू हैं। मैम, ऐसे थैंक यू मैम। चलिए, इजाजत है आप मुझे। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैम। बिल्कुल। हेलो, हाँ मैम, जैसे यंत्र के पीछे फोटो लगानी है ना अपने को किसी की, तो वो जितना जैसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए यंत्र के जस्ट पीछे फेस। देखिए, आप ये लीजिए, लेट्स सपोज मान लीजिए ये हमारी फोटो है, ठीक है, वो आपने इसके साथ ऐसे करके लगा दिया, फोटो यंत्र की तरफ ही जाएगी ना या अपनी तरफ। यंत्रा की तरफ, और उसको कलावे से बांधा और मंदिर की तरफ, ओके 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 थैंक यू मैम। ठीक है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैम जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं, हाँ तो पहले मैं अपने घर में जैसे जलाती थी, तो मेरी एक फ्रेंड है जैसे वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, तो मेरे को ना उन्होंने घर पे आके टोका कि ये नहीं जलानी चाहिए जी हाँ, रीज। अगरबत्ती हिंदू धर्म में नहीं जलाई जाती है, मुस्लिम जो होते हैं वो अगरबत्ती जलाते हैं, हम लोग धूप का यूज ज्यादा करते हाँ तो मैंने रीजन पूछा तो कहते हैं ये बांस की बनी होती है, तो इसलिए इसको ये नहीं हैं। चलाना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने ऐसे बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि हम लोग इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो बांस की बनी होती है, बांस के ऊपर वो लगा होता है, तो आप धूप यूज नहीं मतलब मींस नहीं हमें करनी चाहिए वो चीज। करनी चाहिए, एग्जैक्टली नहीं करनी चाहिए। ओके मैम, ओके थैंक मैम यू मैम। फोटो क्यों आपने क्यों क्या बोलो बोला मनदीप, क्यों इतनी परेशान हो? मैम, मुझे पता ही नहीं चला मैम, मेरा कोई बात मुझे नहीं, कोई बात नहीं, अभी अपलोड हो जाएगी कल तक क्लास, यूट्यूब पे वहां से देख लेना। रिकॉर्डिंग जरूर सेंड कर देना। इसी वजह से परेशान हूँ, कैसे मैंने देखा मैं कि हाय मैम की क्लास मैंने मिस कर दी यार, तो कोई बात बस मैं उससे डिस्टर्ब होगी थोड़ा सा। भाई, इतने अजीब से फेसेस बना रही है, पहले इसी से पूछ लूं क्या हो गया। सत श्री अकाल मैम। मैम मैं बहुत लेट हो कल गया, डिनर बहुत का भी लेट टाइम हो। हो गया सबका, तो हाँ मिलते जी, हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट थैंक मंथ के बहुत सारे थैंक यू सेशन। सो मच सेशन के लिए, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू मैम। थैंक हाँ जी, हाँ जी, मैम। पूछिए, क्या पूछना था? मैं पूछ रही थी ना यंत्र के ऊपर फोटो ऊपर दिखनी चाहिए बच्चे का, या फिर उसके अंदर मतलब छुपा के ऊपर से कलावा बांध दूं। उसके ऐसे करके फिर कलावा बांध दीजिए, फोटो दिखने नहीं, हाँ फोटो को मतलब देखते हुए, यंत्रा फोटो को देख रहा है, अच्छा, मैं मैं फोटो नहीं नहीं मंदिर देख में रहा। रखेंगे और धूप अगर दिया बाती करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे का फोटो जो रखेंगे इसमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बच्चा अगर आपका छोटा है तो आप ऐसा कीजिए, अगर आप उसके पॉकेट वगैरह में रख सकते हैं तो आप पॉकेट में रख सकते हैं, बैग में रख दीजिए। मैम बच्चा तो बड़ा है, पॉकेट में रख सकते हैं, लेकिन वही मैंने आपको बोला ना कि क्लास के बीच में वो वॉशरूम भी जाएंगे और वॉशरूम के टाइम मोबाइल भी बैग दे में रख दूंगा। सकते हैं आप, पॉकेट में नहीं रखना चाहते तो बैग में रख दीजिए, बैग लेके कोई बच्चा नहीं जाता वॉशरूम तो बैग में मैम देखेंगे कैसे यंत्र, जैसे आपने कहा ना उसके नंबर बच्चे को में। नहीं नहीं दिखते नहीं रहे। नहीं आप पॉकेट उसके बैग में भी रख सकते हैं, काम करेगा ये। फोटो और कलावा लगाना जरूरी तो है कैसे क्या? फिर वो कलावा चिपकाओगे कैसे फोटो को, उसके पैक ओके कैसे करोगे? ठीक है, चलिए, इजाजत दीजिए, ओम साई राम, जय गुरु जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम थैंक्स निकाला, थैंक यू। मैम।